Hello students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter. Till now we have read about gerunds and infinitive. In the infinitive we have seen that the verb is in base form. Verb ki first form use karte hain. Gerund mein hum verb plus ing use karte hain. And in that it is not used as a verb, it is used as an noun. Wo hum use noun ki tarah use karte hain. Subject ya object ya uska complement. Now let's come to the third participle. Next one is participle. A participle is a word formed from the verb which can be used as an adjective. A participle ka use kya hota hai? It is used, it is formed by the verb and it is used as an adjective. You know what is adjective? Kisi cheez ke bare mein kuch acha matlab quality batana, that is adjective. There are two types of participle. पार्टिसिपल दो टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंडिंग इन आईएनजी. एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसके लास्ट में आईएनजी होता है, जस्ट लाइक गेरुंड. गेरुंड में भी आईएनजी होता है, पार्टिसिपल में भी आईएनजी आता है लास्ट में, बट देयर इज अ डिफरेंस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. एंड द पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड यूजुअली एंडिंग इन ईडी डीटी ईएन. तो मतलब हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल में, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो यूज करते हैं, ईडी एंड में यूज कर सकते हैं. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देम. द प्रेजेंट पार्टिसिपल, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट करेंगे. फॉर्म, द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द आईएनजी फॉर्म, द वर्ब व्हिच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. आपने कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सुना होगा. इन दिस जो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दोनों के अंदर हम यूज़ करते हैं. बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है और थोड़ा फॉर्म चेंज हो जाता है, बट हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इन द केस ऑफ कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. तो पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम क्या होता है, इसके अंदर वर्ड को फॉर्म करना. इट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था क्या होता है, यस, किसी चीज़ की क्वालिटी बताना. नाउ लेट्स सी how these are used. First example is given, barking dog seldom bites. Barking, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काट लेते हैं. भौंकने वाले कुत्ते, कौन से कुत्ते? भौंकने वाले कुत्ते. यहाँ पे ये एक्शन नहीं बता रहे कि कुत्ता भौंक रहा है या वो कुत्ता भौंकेगा तो काटेगा, दैट्स नॉट. ये भौंकने वाले कुत्ते, कौन से कुत्ते भौंकने वाले, क्वालिटी बता रहे कुत्तों की, स्पेशल टाइप के कुत्ते बता रहे जो भौंकते हैं. मतलब हर कुत्ता भौंकता है बट फिर भी. तो ये एक तरीके से एडजेक्टिव हो गया. यहाँ पे जो हम आईएनजी यूज़ कर रहे हैं एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन की तरह यूज़ नहीं कर रहे हम, ठीक है. नाउ द डॉग वॉज बार्किंग, वो डॉग भौंक रहा था. अब ये क्या हो गया, वॉज है पहली बात, तो वॉज है तो पास्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस. द डॉग वॉज बार्किंग, ओके ये गलत लिखा हुआ है, दैट इज यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस. ऑफ कोर्स ये पास्ट कंटिन्यूस है क्योंकि यहाँ वॉज लिखा हुआ है. द डॉग इज बार्किंग होता तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होता. तो ये हमारा कंटिन्यूस टेंस की तरह यूज होता है. नेक्स्ट वन फंक्शन. अब हम देखेंगे कि इनके फंक्शन कैसे होते हैं, मतलब पार्टिसिपल का यूज कहाँ कहाँ होता है. द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू फॉर्म द कंटिन्यूस टेंस फॉर्म. एक तो हम टेंस की कंटिन्यूस फॉर्म बना देते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने द डॉग वॉज बार्किंग बनाया था वैसे ही. करण इज पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट, ओके लुक ये वॉज को करेक्ट करके इज कर देना क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं. करण इज पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट कॉम्पिटिशन, करण है वो डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कर रहा है, कंटिन्यूस है, ऐसा नहीं है खत्म हो गया या किया था, चल रहा है अभी भी. दे आर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे हैं. वी हैव बिन वेटिंग फॉर हिम फॉर टू आवर्स, हम दो घंटे से उसका वेट कर रहे हैं. तो ये क्या है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टेंस के पार्टिसिपल. हम पार्टिसिपल को एज ए कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन देखते हैं. द प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव, इसे हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. अभी ऊपर वाले केस में हमने एज अ वर्ब देखा था इसे, अब कैसे देखेंगे हम इसे, एज अ एडजेक्टिव. दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक,
ये एक इंटरेस्टिंग बुक है, बुक के बारे में कुछ बता रहा है, स्पेशलिटी बता रहा है उसकी, इंटरेस्टिंग है ठीक है। क्वालिटी, आई डू नॉट लाइक स्क्रीमिंग बेबीज, मुझे चिल्लाने वाले रोने वाले बच्चे पसंद नहीं है, क्वालिटी बता रहा है। द कंपनी इज डूइंग ए बूमिंग बिजनेस, जो कंपनी है वो बहुत ही अच्छा बूमिंग धमाकेदार बिजनेस कर रही है ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, तो ये भी क्वालिटी बता रहे हैं। इस केस में वर्ब था, इस केस में क्वालिटी एडजेक्टिव। नाउ द थर्ड वन, द प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन बी यूज एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एज अ वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं उसे, वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। दिस चैप्टर इज इंटरेस्टिंग, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ठीक है, सब्जेक्ट को हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है चैप्टर, उसको हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। द चैप्टर इज इंटरेस्टिंग ठीक है। आई कैन ऑलमोस्ट हियर यू लाफिंग, यहाँ हम ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा आई हो गया यहाँ पे। आई कैन ऑलमोस्ट हियर यू, अगर देखो लाफिंग को हटा दो एक बार, आई कैन ऑलमोस्ट हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ ठीक है। सब्जेक्ट कौन है आई, ऑब्जेक्ट क्या है यू। अब यू के बारे में हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हम तुम्हें कैसे सुन सकते हैं, हंसते हुए सुन सकते हैं ओके। ये क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, गॉट इट। नाउ द फोर्थ वन, द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज इन पार्टिसिपियल फ्रेज टू शो द सक्सेशन ऑफ इवेंट। अब देखो हम इसे एज अ फ्रेज भी यूज कर सकते हैं, यू नो फ्रेज द ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विच काइंड ऑफ मेक अ सेंस, वो मतलब हाफ सेंस बनाते हैं, पूरा सेंस भी नहीं बनाते ठीक है। लाइक इन पोएम, पोएम में बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, कोमा कोमा डाल के हम करते रहते हैं। अब देखते हैं हम फ्रेज की तरह कैसे यूज़ करते हैं। रिमूविंग दिस को, रिमूविंग हिज कोट, रिमूविंग हिज कोट सेंस है बट पूरा सेंस नहीं है। रिमूविंग हिज कोट मिथुन जम्प्ड इनटू द रिवर ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने एक फ्रेज में यूज़ किया है इसको, हमने इसे एक फ्रेज में यूज़ किया है और अगर हम उसे एक और फ्रेज के साथ जोड़ दें तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेट ऑफ इवेंट, सक्सेशन मतलब सेट ऑफ इवेंट, एक के बाद एक इवेंट। रिमूविंग हिज कोट मिथुन जम्प्ड इनटू द रिवर ठीक है। और हम ऐसे भी लिखते हैं ना लाइक ये वैसा एग्जांपल है लाइक जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि काफ़ी डरे हुए चेहरे से उसने मेरी तरफ़ देखा, डरे हुए चेहरे के साथ उसने मेरी तरफ़ देखा, तो ये हमारे डरे हुए चेहरे, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ फ्रेज ओके। डरना स्केयर्ड ये हमारा वर्ब हो गया। तो यहाँ पे वैसे क्या है, रिमूविंग हिज कोट, कोट हटाते हुए मिथुन रिवर में कूद गया, तो हम इस तरह भी पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ वन, द पार्टिसिपियल फ्रेज आर यूज टू शो कॉज एंड इफेक्ट। पार्टिसिपियल जो फ्रेज होता है जो भी हमने देखा था रिमूविंग द कोट, तो उनका काम क्या होता है कॉज या इफेक्ट बताना, कॉज मतलब क्यों हो रहा है, इफेक्ट मतलब होने के बाद क्या हुआ। फीलिंग टायर्ड आई वेंट टू स्लीप अर्ली, आई वेंट टू स्लीप अर्ली, ध्यान देखना ध्यान से सुनिए, आई वेंट टू स्लीप अर्ली मैं जल्दी सो गया। फीलिंग टायर्ड क्योंकि मैं थक गया था, ये कॉज है, मेरे जल्दी सोने का रीज़न क्या है कि मैं थक गया था, कॉज बता रहा है ये। नेक्स्ट वन, बीइंग ए जिम इंस्ट्रक्टर विकास शो ऑल द एक्सरसाइजेस दैट हेल्प यू टू स्टे फिट, विकास शो ऑल द एक्सरसाइजेस दैट हेल्प यू टू स्टे फिट ठीक है। बीइंग ए जिम इंस्ट्रक्टर, ये जिम इंस्ट्रक्टर होने का इफेक्ट है, विकास क्योंकि जिम इंस्ट्रक्टर है इसलिए वो बता रहा है कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ठीक है। द पार्टिसिपल फ्रेजेस आर यूज इन द फ्रेज ऑफ प्लेस ऑफ रिलेटिव क्लॉज, हम रिलेटिव क्लॉज की तरह यूज कर सकते हैं। हु इज द गर्ल टॉकिंग टू योर ब्रदर, यू नो व्हाट इज रिलेटिव क्लॉज, एक क्लॉज जब दूसरे क्लॉज से रिलेटेड होता है। हु इज द गर्ल दैट टॉकिंग टू दैट टॉकिंग टू योर ब्रदर, ये क्या हो गया रिलेटिव क्लॉज, ज्वाइन करने के लिए, रिलेट करने के लिए, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए। समवन इज टॉकिंग टू योर ब्रदर, हमने पूछा हु इज़ द गर्ल,
दो क्लोज है, दो तरीके के सेंटेंसेस जिन्हें हमने ज्वाइन किया हुआ है, किसका यूज़ करके, पार्टिसिपियल फ्रेज लगा के। ओके, तो ये हमारा हो गया पार्टिसिपल का यूज़। नाउ कंपैरिजन बिटवीन गेरुंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब गेरुंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको अब बेटर समझ आएगा ये। ऑल्दो द टू आर एग्जैक्टली अलाइक इन फॉर्म, द गेरुंड एक्ट लाइक नाउन वाइल द प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट लाइक एडजेक्टिव। दोनों की फॉर्म सेम होती है वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है, बट जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ करता है, होते हैं, और जो गेरुंड होता है वो नाउन की तरह यूज़ होता है एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। द फॉलोइंग टू सिमिलर लुकिंग सेंटेंसेज ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन दैम। अब हमें दो सेम सेंटेंस दिखेंगे जिससे हम डिफरेंस पता करेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आई सॉ हिम स्विमिंग। अब ध्यान से सुनना, हम आगे का एक बार रीड मत करो, इस पे फोकस करते हैं। आई सॉ हिम स्विमिंग, मैंने उसे स्विम करते हुए देखा, ठीक है, मैंने उसे स्विम करते हुए देखा, मैंने उसे देखा स्विम करते हुए। ये क्या बता रहा है? आई तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हिम के बारे में हम कुछ तारीफ ही तो कर रहे हैं, हिम को उसने हम हमने उसे कैसे देखा, स्विम करते हुए देखा, उसकी कुछ क्वालिटी बता रहे हैं ना एक तरीके से। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव होता है तो वो क्या होता है? पार्टिसिपल होता है। कौन सा है? पार्टिसिपल होता है। तो इस केस में जो हमारा स्विमिंग है वो एज अ पार्टिसिपल यूज हुआ है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, आई लव स्विमिंग, मुझे क्या पसंद है? स्विमिंग पसंद है। अब यहाँ स्विमिंग ऑब्जेक्ट बन गया, मुझे क्या पसंद है? स्विमिंग पसंद है। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की तारीफ नहीं हो रही है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है पर सब्जेक्ट की तारीफ नहीं हो रही है, हमने सीधा कहा मुझे स्विमिंग पसंद है, स्विमिंग एक चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? एज अ नाउन, तो ये क्या है? एक गेरुंड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द गेरुंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच ऑफ चैप्टर। देर इज एन एक्सरसाइज आफ्टर दैट, सो ट्राई टू डू इट योर सेल्फ फर्स्ट। We will discuss it in the next video, and you can compare an answer with my answer. If you have any doubt, you can ask me. Thank you and have a nice day.